45 साल का एक व्यक्ति मेरे क्लिनिक में सुबह सुबह आया और बहुत ही मतलब डरते डरते आया कि भाई कोई देखेगा, कोई कुछ बोलेगा। फिर धीरे से आके ऐसे बहुत मतलब ऐसा गिल्टी लग रहा उसको, कैसा बोलूँ क्या बोलूँ, मतलब बताइए क्या हो गया। तो बोला कि आजकल ऐसा हो रहा है कि ठीक से तनाव नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या करना चाहिए। मतलब कितने दिन से ऐसा हो रहा है? बोले करीब करीब 3-4 महीने हो गए, जैसा चाहिए वैसा तनाव नहीं आ रहा है। मतलब उससे क्या हो रहा है? बोले उससे एक तो खुद को ठीक नहीं लगता है, गिल्ट लगता है, लगता है कि मैं अभी पुरुष में नहीं हूँ, मेरा पुरुषत्व गया क्या। फिर औरत की उम्र जो है वो सिर्फ 35 साल की है, हमारे इसमें 10 साल का अंतर है। और फिर वो तो चाहती है कि भाई होना है करके, कम से कम हफ्ते में एक बार दो बार तो भी करना चाहिए, और मैं पिछले 4 महीने में बिल्कुल कर ही नहीं सका। तो जब उससे मैं बातचीत कर रहा था, उसको मैं जो बातचीत करके मालूम पड़ा, तो मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या देखना चाहिए ऐसे इसमें। एक तो क्या है कि उम्र के हिसाब से हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गई, तो हम आखिर टेस्टोस्टेरोन चेक कर लेते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन सीरम टेस्टोस्टेरोन कैसे है। दूसरा भाई, क्या आपको डायबिटीज़ है क्या, शुगर बढ़ी है क्या, तो वो एक टेस्ट करना पड़ता है। हो सकता है थायराइड हार्मोन की कमी है या ज़्यादा है, दोनों भी, तो वो प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाई खा रहे हैं, या एंटी डिप्रेशन एंटी एंग्जाइटी दवाई खा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है। होता क्या है कि 45 साल की उम्र में आदमी जरा बिजनेस में रहा तो जरा थोड़ा स्थिर स्थावर होने लगता है, बिजनेस बढ़ रहा है ऐसा उसको लगता है कि भाई बिजनेस भी बढ़ रहा है और बढ़ भी रहा होगा सच्ची। फिर जैसा बिजनेस बढ़ता है तो ज़्यादा स्ट्रेस, पेमेंट्स है लोगों के, है ना, क्रेडिट दिया हुआ है, माल नहीं आ रहा है बराबर टाइम पे, मतलब काफ़ी सारे तनाव हैं बिजनेस के, और वो ठीक नहीं हो रहा है। या समझो सर्विस में है, प्राइवेट कंपनी में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सेल्स में होगा तो बहुत प्रेशर, आईटी में है तो बॉस का प्रेशर कंटिन्यूसली। तो ऐसे इसमें उसको लगता है कि भाई ये तो मुश्किल है, मतलब मैं रोज़ रात को कैसे फेस करूँ। बोले मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई आज क्या होगा, और आज उसने बोल दिया पत्नी ने कि भाई करना है, और मैं क्या बताऊँ। मतलब ऐसा उसका चेहरा हो गया कि भाई बहुत गिल्टी है और बहुत कुछ तो भी वो खो बैठा है। मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने उसकी सब टेस्ट करवाए। देखिए ऐसे इसमें हमने ये देखना चाहिए कि जब हम उसको कुछ दवाई देते हैं, क्योंकि दवाई इसमें तुरंत देने की ज़रूरत होती है। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, उनको काउंसलिंग सेशन में बुलाता हूँ, काउंसलिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। मगर अभी यहाँ कैसा, यहाँ इमरजेंसी लग गई है। इमरजेंसी ऐसी कि 4 महीने हो गए, सेक्स बिल्कुल ही नहीं है, और औरत अभी झगड़ा कर रही है, और अभी तो मतलब शादी टूटने पे आ गई है, या बहुत कुछ तो भी अनर्थ हो जाएगा, तो उसको तो दवा देनी ही पड़ेगी। तो ऐसे इसमें फिर हम यदि डायबिटीज़ है तो सिल्डेनाफिल जैसी दवाई नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी दवाई है। टाडालाफिल भी ले सकते हैं जो लंबे समय तक चलती है, वरदानाफिल भी है, एवेनाफिल भी है। यदि एलोपैथी नहीं चाहिए लोगों को, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है कि भाई आयुर्वेदिक ऐसी दवाई लो कि जिसमें एलर्जिनिन है। एलर्जिनिन यदि रहा तो काफ़ी अच्छा स्टिमुलेंट है, नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ाता है, तो एलर्जिनिन भी लेते तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो या फिर मल्टीविटामिन्स, फिर इम्यूनिटी बूस्टर्स डोजेस है, विटामिन सी, मतलब एक नींबू निचोड़ो और रोज़ एक नींबू शरबत लो, या फिर आंवला, आंवला का मतलब जूस लेना या आंवला खाना। तो ऐसे नेचुरल भी उसको दे सकते हैं हम, मगर बेस्ट ऐसा है कि भाई उसको तुरंत PDE5 इनहिबिटर्स देना है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ आता नहीं है, लेट आता है, और जब आता है ना इरेक्शन तो जल्दी गिर जाता है। मतलब ये डबल प्रॉब्लम हो गया, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है और प्री मैचुर इजैकुलेशन भी है। अभी ये ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन नहीं आ रहा है, जब आता है तो जल्दी गिर जाता है। अब वो गिरना नहीं चाहिए, इसलिए उसका सब अटेंशन वहाँ है कि अभी गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, इसलिए वो जरा कुछ करता है कोशिश, तो इधर लूज़ हो जाता है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो ऐसे इसमें काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। उसमें क्या है कि एक तो प्रेशर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं हरदम ये बोलता हूँ कि भाई आपके पत्नी को लाओ, आपके पार्टनर को लाओ, उनको मैं काउंसलिंग करता हूँ कि भाई इसके दिमाग के ऊपर का पहले प्रेशर निकालो आप, क्यों नहीं करना ही पड़ता है, झगड़ा झंझट बंद करो, ये नॉर्मल है, नेचुरल है, समझ के चलो। ठीक है, उसको अभी तक किया ना, 2 बच्चे हैं, 45 साल की उम्र है, 2 बच्चे हैं, मतलब बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो जब बॉडी है तो बीमारी होंगी,
तो एक बीमारी करके उसको समझो वो कोई नामर्द नहीं हुआ है, तो ऐसी काउंसलिंग करनी पड़ती है। काउंसलिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, जल्दी गिर जाता है तो फिर ऐसे सारा ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं वो देनी पड़ती है, सिलेक्टिव सेरेटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें सरेट्रालिन, फ्लोक्सिटिन, डेपोक्सिटिन, एसिटालोप्राम, फिर कभी कभी हम बेंजोडाइजिपिन भी देते हैं। बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की दवाई अल्प्रेजोलाम है या डाइजीपाम है, फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है वो देते हैं, और फिर लोकल क्रीम, एनिस्थेटिक क्रीम, जिसमें लोकल नमनेस आता है, सुन हो जाता है लिंग, और फिर ज़्यादा समय तक चलता है। तो ऐसे काफ़ी सारी दवाइयाँ तुरंत देनी पड़ती है और इसमें ठीक हो सकता है। यदि ऐसा लगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो फिर वो बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन पैचेस है, इंजेक्शन है, टैबलेट है, वो देने पड़ेंगे। काउंसलिंग सबसे बेस्ट, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, हिप्नोथेरेपी ये देते हैं तो नेचुरली नॉर्मली ठीक हो जाएगा। प्रेशर एक बार दिमाग का निकल गया, मैं हरदम बोलता हूँ कि आपको टेंशन जो है वो एक ही जगह आएगा, एक तो ऊपर आएगा नहीं तो नीचे आएगा, ऊपर टेंशन है तो नीचे नहीं आएगा, नीचे टेंशन है तो ऊपर नहीं रहेगा। तो इस तरह का है वीडियो, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो तमाम लोगों को शेयर करो जिनकी उम्र 35 के बाद, मतलब 35 से ज़्यादा है, वो लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।